प्रॉपर नींद लेना हम सभी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर सही से नींद ना ली जाए तो इससे हमें पूरा दिन आलस आता रहता है, साथ ही इससे हमें कई सारी बीमारियों के होने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमें सही से नींद लेना जरूरी होगा। बात अगर किडनी मरीजों की करें तो किडनी मरीजों के लिए भी पूरी नींद को लेना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सही नींद लेने से तनाव का जोखिम कम रहता है, जिससे किडनी मरीजों को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर एक किडनी मरीज को कितनी नींद लेनी चाहिए? क्या 5 घंटे की नींद किडनी मरीजों के लिए इनफ होती है, या फिर किडनी को स्वस्थ रखने के लिए 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी मानी जाती? नींद से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हेल्थ से जुड़े इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम किडनी मरीजों के लिए नींद की टाइमिंग की बात करें तो किडनी मरीजों को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, क्योंकि इतने घंटे सोने से किडनी काफी ज्यादा रिलैक्स रहती है, साथ ही आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होने लगता है। प्रॉपर नींद लेने से शरीर काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, साथ ही इससे आपका हार्ट, ब्रेन और किडनी को हेल्दी रखने में भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।